गुल्ली बुली और शॉन की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। गुल्ली बुली, शॉन और रॉड घर के बाहर बैठकर बाबा का इंतजार कर रहे होते हैं। शॉन कहता है, रॉड हम घूमने कहाँ जाने वाले हैं? रॉड कहता है, बाबा ने मुझसे कहा है कि वो किसी जंगल में लेकर जा रहे हैं हमें, और वो जंगल बहुत डरावना है शॉन। शॉन कहता, अरे डरावना जंगल, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है रॉड, मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। गुल्ली कहता, बाबा साथ रहेंगे तो हमें किस बात की चिंता है शॉन। तभी बाबा बादल पर बैठकर वहां पर आ जाते हैं। बाबा गुल्ली बुली, शॉन और रॉड के पास आते हैं। बाबा कहते हैं, चलने के लिए तैयार हो ना तुम लोग गुल्ली बुली और शॉन। गुल्ली कहता, बाबा शॉन को डर लग रहा है। बाबा क्या हम सच में किसी डरावने जंगल में जा रहे हैं? बाबा कहते हैं, अरे शॉन तुम अब बड़े हो रहे हो, ऐसे डरोगे तो कैसे चलेगा, और वैसे भी मैं तो हूं ही ना तुम्हारे साथ। रॉड कहता है, बिल्कुल सही कहा बाबा आपने। बाबा कहते हैं, चलो आ जाओ सब, हम निकलते हैं जंगल में, हमें बहुत एडवेंचर करना है, जैसे हम लोग बोटिंग भी करेंगे और पूरा जंगल घूमेंगे। और गुल्ली बुली, शॉन, बाबा और रॉड बादल पर बैठकर निकल जाते हैं जंगल सफारी करने। गुल्ली कहता है, बाबा हम जिस जगह जा रहे हैं वहां कोई खतरा तो नहीं है ना? रॉड कहता है, गुल्ली मैंने सुना है वहां के जंगलों में बहुत सारी मम्मी रहती हैं। बाबा कहते हैं, दरअसल गुल्ली हम बहुत सारे आइलैंड्स के जंगलों में घूमेंगे, तो ऐसा ही एक आइलैंड है जहां पर मम्मीज रहती हैं। बाबा मम्मीज से तो मुझे बहुत डर लगता है। बाबा कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है शॉन, हम उस आइलैंड पर नहीं जाएंगे, और वैसे भी मैं तो हूं ही ना तुम्हारे साथ। और थोड़ी ही देर में ये लोग एक जंगल में उतर जाते हैं। बाबा कहते हैं, इसके आगे हम बोटिंग करके जाएंगे गुल्ली बुली और शॉन। बाबा ये तो पैडल मारने वाली नाव है, हमें खुद ही चलाना होगा इसको। बाबा कहते हैं, हाँ रॉड इसी में तो मजा है, चलो। और ये सभी लोग बैठ जाते हैं नाव में। गुल्ली कहता है, बाबा वैसे वो मम्मी आइलैंड है कहाँ, उसके बारे में कुछ और बताइए ना। शॉन कहता है, क्यों जानना चाहते हो तुम गुल्ली, तुम मुझे डराने के लिए मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? बुल्ली कहता, अरे शॉन इतना भी मत डरो अब, दरअसल लोग कहते हैं कि उस आइलैंड पर बहुत सालों पहले मम्मीज आकर रहने लगी थी, और वहां अब बहुत सारी मम्मीज हैं। जो लोग समुद्र के रास्ते से गुजरते हैं उन पर कई बार वहां की मम्मीज ने हमला भी किया है। बुल्ली कहता है, क्या वो हम पर भी हमला कर सकती हैं बाबा? बाबा कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है बुल्ली, हम उस रास्ते से जा ही नहीं रहे। तभी रॉड और बाबा अपनी नाव को रोक देते हैं। शॉन कहता है, नाव क्यों रुक गई बाबा, हमारी नाव को चारों तरफ से मगरमच्छों ने घेर लिया है। और गुल्ली बुली और शॉन छुप जाते हैं। बाबा और रॉड मिलकर सारे मगरमच्छों का काम तमाम कर देते हैं, और ये लोग वापस अपने रास्ते जाने लग जाते हैं। और थोड़ी ही देर में ये लोग एक आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं, यही है वो आइलैंड जिस पर हम आज रात आराम करेंगे और बाकी कल से घूमना शुरू करेंगे। रॉड कहता है, ये आइलैंड तो काफी अच्छा लगता है बाबा। शॉन कहता है, बाबा कहीं ये मम्मी आइलैंड तो नहीं है ना? बाबा कहते हैं, अरे शॉन मैं तुम्हें मम्मी आइलैंड पर क्यों लेकर आऊंगा, चलो अब हम सभी लोग यहाँ पर टेंट लगाते हैं। और ये लोग फिर वहीं पर अपना टेंट लगाकर बॉनफायर जला लेते हैं। शॉन कहता है, बाबा मैंने घर से अपना स्पीकर रख लिया था साथ में, चलिए ना हम सभी लोग डांस करते हैं। रॉड कहता है, ये अच्छा आइडिया है शॉन। और गुल्ली बुली, शॉन, रॉड और बाबा डांस करने लगते हैं। लेकिन उस आइलैंड पर कुछ मम्मीज घूमने आई होती हैं, और गाने की आवाज को सुनकर उन सारी मम्मीज को पता चल जाता है कि यहां पर इंसान आए हैं।
और ये मम्मी छुपकर इन सबको देख लेती है। तभी शॉन कहता है कि आप लोग डांस कीजिए, मैं हल्का होके आता हूं अंदर से, और शॉन अंदर जंगल में जाने लगता है। और वो सारी मम्मी शॉन को पकड़ लेती हैं। ये तो बड़ी आसानी से हाथ आ गया, चलो अभी से ले चलते हैं हमारे मम्मी आइलैंड पर। और वो सारी मम्मी शॉन को उठाकर ले जाने लगती हैं। और ये सारी मम्मी भी अपनी नाव पर आई होती हैं। ये मम्मी शॉन को उस नाव में रखकर ले जाने लगती हैं मम्मी आइलैंड पर। और इधर गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड अभी भी डांस कर रहे होते हैं। तभी गुल्ली और बुल्ली डांस करना बंद कर देते हैं। गुल्ली कहता है बाबा और रॉड रुक जाओ। रॉड कहता है क्या हुआ गुल्ली बुल्ली? गुल्ली कहता है रॉड शॉन को गए हुए बहुत टाइम हो चुका है। बुल्ली कहता है हाँ रॉड हमें चलकर देखना चाहिए, कहीं शॉन किसी मुसीबत में ना हो। बाबा कहते हैं ठीक है चलो हम चलकर देख लेते हैं। और ये लोग भी उस आइलैंड के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन शॉन उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। तभी गुल्ली को कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। गुल्ली कहता है बाबा वो देखिए, लगता है यहाँ पर कोई आया था और शायद वो शॉन को पकड़ कर ले गया। बाबा कहते हैं शायद वो एक से ज्यादा थे, आओ मेरे साथ। और गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड उन फुटप्रिंट का पीछा करने लगते हैं। रॉड कहता है लगता है वो लोग शॉन को उठाकर यहाँ से ले गए बाबा। बुल्ली कहता है बाबा अब हम क्या करेंगे? बाबा कहते हैं मैं अभी अपने जादुई गोले में देखता हूँ कि कौन है वो जिन्होंने शॉन को किडनैप किया है और वो लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं। बाबा तभी अपने जादुई गोले में देखते हैं। बाबा कहते हैं ये तो मम्मी है और लगता है ये सारी मम्मी शॉन को अपने आइलैंड पर लेकर जा रही हैं। गुल्ली कहता बाबा तब तो हमें चलकर उन्हें रोकना चाहिए। बाबा कहते हैं अब तक वो लोग शॉन को लेकर जा चुके होंगे, जादुई गोला पुरानी चीजें ही दिखाता है। और बाबा गुल्ली बुल्ली और रॉड को बैठा कर ले जाने लगते हैं मम्मी आइलैंड को ढूंढने। बाबा कहते हैं हमें कैसे भी करके मम्मीज का वो आइलैंड खोजना होगा गुल्ली बुल्ली और रॉड, नहीं तो वो सारी मम्मी शॉन को मम्मी आइलैंड में ही मार देंगी। और ये लोग नाव से आगे बढ़ने लगते हैं। और काफी देर चलने के बाद में अब सुबह होने लगती है। गुल्ली कहता है बाबा हमें चलते हुए अब सुबह हो चुकी है, कब तक पहुंचेंगे हम? बाबा कहते हैं बस 10 मिनट में हम एक आइलैंड पर पहुंचेंगे गुल्ली, उसके बाद हमें उस आइलैंड के जंगल के अंदर ही मम्मी का वो सीक्रेट आइलैंड खोजना होगा। रॉड कहता है बाबा क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम जिस आइलैंड पर जा रहे हैं उसके अंदर ही हमें कोई सीक्रेट आइलैंड खोजना है? बाबा कहते हैं हाँ रॉड, मम्मी आइलैंड इतनी आसानी से नहीं मिलेगा और हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। उस आइलैंड के जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर, राक्षस या जादुई चीजें भी हो सकती हैं। और थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और ये लोग पहुंच जाते हैं उस आइलैंड के पास। लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि इस आइलैंड पर जो भी आता है उसका सामना सबसे पहले यहाँ के मॉन्स्टर से होता है। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? हम लोगों को मम्मी आइलैंड पर जाना है, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ से मम्मी आइलैंड कैसे जाते हैं? यहाँ कोई मम्मी आइलैंड नहीं है, तुम रुको इनको तो मैं मजा चखाता हूँ। बाबा कहते हैं रॉड अब इनका काम तमाम करना होगा, चलो फ्रीज करो इन्हें। और बाबा और रॉड उन दोनों मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। तभी वहां पर एक पोर्टल आने लगता है और गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड उसे देखने लगते हैं। लगता है इन लावा मॉन्स्टर्स के मरने के बाद में ही ये पोर्टल यहाँ पर आता है, चलो आ जाओ। मुझे लगता है ये पोर्टल हमें सीधे मम्मी आइलैंड पर ले जाएगा। और ये सब लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और ये लोग पहुंच जाते हैं मम्मी आइलैंड पर। बाबा कहते देखा मैंने कहा था ना रॉड यही है मम्मी आइलैंड।
तभी गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड वहाँ पर डांस करती हुई मम्मीज को देख लेते हैं और वो दोनों मम्मी भी डांस करना बंद करके इन लोगों को देख लेती हैं। बाहर आओ मम्मी, यहाँ पर कुछ लोग आ गए हैं। कौन हो तुम लोग और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? रॉड कहता है, तुम लोगों ने हमारे साथी शॉन को पकड़ रखा है यहाँ पर, हम उसे ही वापस लेने आए हैं। मम्मी कहती है, यहाँ से चले जाओ। गुल्ली कहता है, हमें शॉन को वापस कर दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी उनमें से एक मम्मी कहती है, तुम्हारे उस साथी को हम आज रात में ही मार डालेंगे। तभी गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड के ऊपर एक पिंजरा गिर जाता है। अब तुम्हारे साथी के साथ साथ हम तुम लोगों को भी मार डालेंगे। तभी वो पीछे वाली दो मम्मी भी आगे आने लगती हैं। चलो अब इन्हें भी मार कर टांग देते हैं उसके साथ। गुल्ली कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुमने शॉन को भी मार कर कहीं टांग दिया है? अपने ऊपर तो देखो। और ये लोग शॉन को ऊपर लटका हुआ पाते हैं। रॉड कहता है, इस पिंजरे को हटाओ मम्मी, नहीं तो मैं तुम लोगों को फ्रीज कर दूंगा। और रॉड उस पिंजरे को तभी पकड़ लेता है और पिंजरे को छूते ही रॉड की बॉडी पत्थर में बदलने लगती है और रॉड को गुस्सा आ जाता है और रॉड तभी उनमें से एक मम्मी को फ्रीज कर देता है और उसके बाद रॉड पत्थर में बदल जाता है। बन गए ना तुम पत्थर के, अगर तुमने इस पिंजरे को छुआ भी तो तुम लोग ऐसे ही पत्थर में बदल जाओगे। रॉड ने तुम्हारे साथी को भी तो बर्फ का बना दिया। इसको तो हम ठीक कर लेंगे, तुम लोग अपना देखो, हम थोड़ी देर में आकर तुम लोगों को मार डालेंगे। और तभी उनमें से एक मम्मी ऊपर शॉन को देखने लगती है। और वो मम्मी शॉन को उठाकर नीचे कूद जाती है। तुम लोग इस पिंजरे में पड़े रहो, तब तक हम इसका काम तमाम करके आते हैं। बाबा कहते हैं, मैं ऐसा तुम्हें करने ही नहीं दूंगा। और बाबा अपनी जादुई शक्तियां इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं, यहाँ पर तो मेरी शक्तियां काम ही नहीं कर रही हैं गुल्ली बुल्ली। तुम लोग ऐसे ही बातें करते रहो, हम तो चले इसको मारने, और आने के बाद तुम सबको भी मार डालेंगे। और फिर एक मम्मी शॉन को और दूसरी फ्रीज वाली मम्मी को लेकर जाने लगती है। गुल्ली कहता है, अब क्या करेंगे हम बाबा, ये मम्मी तो शॉन को ले गई और रॉड भी अब पत्थर का बन गया है। बाबा कहते हैं, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है गुल्ली, पता नहीं मेरी शक्तियां भी काम नहीं कर रही हैं यहाँ पर। तभी वो पिंजरा अचानक से फ्रीज होने लगता है और तभी वो पिंजरा एकदम से टूट जाता है। और अरे, ये तो रॉड के फादर हैं। तभी रॉड के फादर रॉड को वापस पत्थर से नॉर्मल बना देते हैं। तुम ठीक तो हो ना रॉड? हाँ मैं ठीक हूँ फादर, लेकिन आप यहाँ कैसे? जब भी तुम पर कोई खतरा आता है तो मुझे पता चल जाता है रॉड। बाबा कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रॉड के फादर। रॉड के फादर कहते हैं, अरे बाबा, आप तो हमारे गुरु हैं, लेकिन आपकी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही थी यहाँ पर, ये तो मुझे भी नहीं पता है। आओ हम सभी लोग शॉन को बचाने के लिए चलते हैं और फिर जल्द से जल्द इस जगह को छोड़कर वापस चलते हैं। और ये सभी लोग मम्मीज को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। और वहां पहुंचते ये लोग देखते हैं कि वहां मम्मीज शॉन को पकाने की तैयारी कर रही होती हैं। तभी वो मम्मी इन लोगों को देख लेती हैं। अच्छा तो तुम लोग आजाद हो गए, सुनो मॉन्स्टर्स, इन सबको मार डालो। ठीक है मम्मी। तुम लोग शॉन को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुनो मम्मी, जाकर आग लगा दो इस मटके के नीचे, इनके सामने ही इनके साथी को पकाकर खा जाएंगे हम। तुम दोनों आखिर टिक नहीं पाए हमारे सामने, अब तुम लोगों की बारी है। तभी बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। बाबा का ये एक्सट्रीम मोड तो बहुत खतरनाक लगता है। तभी रॉड और रॉड के फादर को होश आ जाता है। बाबा रॉड और उसके फादर को इशारा करते हैं और रॉड और उसके फादर तुरंत सारी मम्मीज को फ्रीज कर देते हैं और बाबा सारी मम्मीज को
अपनी लेजर की पावर से ब्लास्ट कर देते हैं और गुल्ली बुल्ली जाकर शॉन को उठा कर लाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना शॉन, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? शॉन कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, मुझे पता था आप लोग मुझे बचाने जरूर आएंगे। रॉड के फादर कहते हैं, बाबा आपने तो कमाल ही कर दिया, आप ना होते तो हम भी मारे जाते। बाबा कहते हैं, अरे नहीं नहीं, ये तो हम सबने मिलकर किया है रॉड के फादर। रॉड कहता है, चलिए अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है बाबा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे मैं ऐसी और न्यू वीडियोज अपलोड करूँ तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।